ये सूत्र उपदेश का नाम है चुंदी सूत्र। क्या नाम है? चुंदी सूत्र। चुंदी सूत्र। भगवान बुद्ध उस समय राजगीर में थे, उसी समय चुंदी राजकुमारी 500 और राजकुमारी लोगों के साथ भगवान बुद्ध के पास आया। आकर के भगवान बुद्ध को नमन करके एक और बैठ गया। बैठ के चुंदी राजकुमारी भगवान बुद्ध को बताया, तथागत मेरा भाई चुंद है, मेरा भाई का नाम चुंद राजकुमार है ना। क्या नाम है भाई का? चुंद राजकुमार। चुंद राजकुमार। भगवान बुद्ध जो चुंद राजकुमार ऐसे बताते हमें, जो कोई स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो संसार में, वो भगवान बुद्ध को शरण में गया तो, धर्म के शरण में गया तो, जो कोई संघ के शरण में गया तो, प्राणियों को हत्या करना छोड़ दिया तो, चोरी करना छोड़ दिया तो, व्यभिचार करना छोड़ दिया तो, झूठ बोलना छोड़ दिया तो, नशा करना छोड़ दिया तो, वो मरने के बाद स्वर्ग में जन्म लेता है। वो मरने के बाद देवताओं के पास जन्म लेगा, कभी भी नरक में, यानी कि खतरक डरने वाले जन्म में कभी नहीं जाएगा। कौन बोल रहा है? चुंद। चुंद किसको बताएं? चुंदी को बताएं। चुंद राजकुमार, चुंद राजकुमारी को बताएं। चुंदी राजकुमारी भगवान बुद्ध को आके बताएं, ऐसा बुद्ध बोल रहा है। तो भगवान बुद्ध जी हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार गुरु को शरण जाना चाहिए, किस प्रकार गुरु को शरण जाने के बाद मरने से स्वर्ग में या तो फिर देवताओं के पास जन्म ले सकता है। भगवान बुद्ध जी कौन सी धर्म के ऊपर प्रसन्न होना चाहिए, कौन सी धर्म के बारे में प्रसन्न हो गया तो स्वर्ग में या जन्म लेता है और नरक वगैरह में जन्म नहीं ले सकता है, कौन सी संघ में, कौन सी परिवार में, कौन सी महासंघ की शरण में जाना चाहिए ताकि मरने के बाद देवताओं के पास जन्म ले सकता है, नरक में नहीं, कौन सी सील संपूर्ण करना चाहिए जिस सील से देवताओं के पास जन्म ले सकता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताया, यावता चुंदी सत्ता, जो कोई लोग है संसार में चुंदी अपदावा, पैर नहीं वाले हो सकता है, द्विपदावा दो पैर वाले हो सकता है, चतुपदावा चार पैर वाले हो सकता है, बहुपदावा बहुत सारे पैर वाले हो सकता है, रूपिनोवा रूपी हो सकता है, रूपी मतलब रूप ब्रह्मलोक में जन्म लेने वाले लोग हो सकते हैं, अरूपिनोवा जिसके पास रूप नहीं है वो लोग हो सकते हैं, संजिनोवा जिसके पास संज्ञा पहचान है वो हो सकता है, असंजिनोवा जो कोई असंज्ञ हो सकता है वो भी हो, या तो फिर नेव संजी ना संजिनोवा, या तो फिर कोई नेव संजी ना संजी हो सकता है। इसका मतलब कौन कौन है? ब्रह्मलोक देवलोक मानव जानवर हर जगह पे तथागतो ते संग अग्गमक्खायति अरहं सम्मा संबुद्ध। तथागत भगवान बुद्ध उन सारे लोगों में से सर्वश्रेष्ठ है, ये को चुंदी बुद्ध है प्रसन्न, उन भगवान बुद्ध के बारे में प्रसन्न होना चाहिए, अग्गे ते प्रसन्न, ऐसा श्रेष्ठ किसी के बारे प्रसन्न हो गया तो अग्र प्रसन्न होता है। इसका मतलब कोई सर्वश्रेष्ठ किसी के ऊपर हम लोग पसंद हो गया तो वो किसके ऊपर पसंद हो गया? सर्वश्रेष्ठ चीज पर पसंद हो गया ना जी। सोचिए दुनिया में सबसे अच्छा हम लोग खाना खा लेंगे तो, सबसे अच्छा खाना खा लेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग, हमें गर्व है ना, सबसे अच्छा खाना मैंने खा लिया, उससे अच्छा खाना नहीं है, सबसे अच्छा देश है उससे सुंदर, उससे अच्छा और देश है ही नहीं है, उसी देश में घूम के आ गया तो मैंने सबसे अच्छा सबसे उत्तम देश में मैंने जाके घूम के आ गया, ऐसे बोल सकते हैं ना? वैसे ही है, सारे दो पैर एक पैर, जिसके पास पैर नहीं है
चार पैर हैं, बहुत पैर हैं, और देखने वाले नहीं देखने वाले हैं, आसमान में धरती में हर जगह में जो सत्य प्राणी जिसके पास जान है, वो बोलने वाले नहीं बोलने वाले सारे लोगों में से सर्वश्रेष्ठ हैं तथागत भगवान। कैसे सर्वश्रेष्ठ होता है? वो अरहंत है, राग द्वेष मोह गंदगी नष्ट कर दिया, बिना गुरु के उपदेश से चतुरार्य चार आर्य सत्य को प्राप्त किया और आश्चर्य विद्या के साथ जीवन बिताए, सुंदर आर्य मार्ग पर अपना जीवन को चलाए, सारे लोगों के बारे में जान गए और बिना तलवार औजार गाली से बिना गाली से दूसरों को सुधारे हैं। इसके बाद सारे देवमानों का गुरु है सत्ता देव मनुसाना, आर्य सत्य को प्राप्त कर सबको बता दिए हैं बुद्ध तथा इतना अनगिनत गुण रह करके खुशी से जीवन बिताते हैं वो भगवान। एक गुण और किसी के पास नहीं है, इसीलिए भगवान बुद्ध सबसे अग्र है। अग्र मतलब उत्तम है, ऐसा उत्तम किसी के ऊपर प्रसन्न हो गया तो वो उत्तम प्रसन्नता है। आज्ञे को प्रसन्नाना अग्गो विपाको होती, बहुत सुंदर है। आज्ञे को प्रसन्नाना, अगर अग्र यानी कि उत्तम प्रसन्नता उत्पन्न हो गया तो अग्गो विपाको होती, उत्तम फल मिल जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया यावता चुंदी धम्मा संकतावा असंकतावा। इस दुनिया में जो कुछ धर्म है, संकत मतलब बना हुआ, असंकत मतलब नहीं बना हुआ, विरागो उसमें कोई आसक्त नहीं है, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी धर्म है, देखने वाले नहीं देखने वाले, बनने वाले नहीं बनने वाले, जो कुछ धर्म है ते संग अग्गमाख्यायति, उनमें से सबसे श्रेष्ठ होता है यदिदं मदनिम्मदनु पिपास विनयो आले समुघातो वट्टु पच्चेदो तन्हक्के विरागो निरोध निब्बान। उनमें से सर्वश्रेष्ठ होता है जिस धर्म से मन की सारी गंदगी को खत्म हो जाता है, मन अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, सारे गंदगी को मिटा के मन सभी दुख से मुक्त हो जाता है, वही धर्म सारे धर्म से श्रेष्ठ होता है। कौन सा है वो धर्म? जो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, उसी धर्म से मन की सारे गंदगी को मिटा सकता है। इसके बाद बताया ये को चुंद विरागे दाम में पसन्ना, अगर इसी प्रकार धर्म के ऊपर प्रसन्न हो गया तो अग्गे ते पसन्ना, ये प्रसन्नता सबसे उत्तम है। अग्गे को पन प्रसन्नाना अग्गो विपाको होती, इसी प्रकार अग्र प्रसन्नता उत्पन्न हो गया तो उसका फल भी सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद बताए भगवान बुद्ध यावता चुंदी संगहवा गनावा तथागत सावक संगु ते संग अग्गमाख्यायति यदिदं चत्तारि पुरुष युगे नट पुरुष पुग्गला। जितना इस संसार में संघ है, जितना सारे परिवार है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ होता है उत्तम गुण से परिपूर्ण तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य सांगलु यानि कि बनते लो। ऐसा भगवतो सावक संग उन आर्य महासावक संग आहु नहीं हो, आह्वान करने में योग्य है, पाहु नहीं हो, पाहवान करने में योग्य है, दाखी नहीं हो, पुण्य के लिए कुछ देने में योग्य है, अंजलि करनी हो, हाथ जोड़ के नमन करने में योग्य है, अनुतरम पुण्य के तन लोकस पूरे देव मानव इस ब्रह्मांड को पुण्य कमाने के लिए उत्तम पुण्य खेती जैसा है। इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई भगवान बुद्ध की शिष्य संग है तो उन लोग के लिए दूर से भी लाकर कुछ देश देने में योग्य है, आगंतुक जिस समाज के सेवा सत्कार करने में योग्य है, तथा में दक्षिणा मतलब दान वगैरह देने में योग्य है, तथा हाथ जोड़ के नमन करने में सर्वश्रेष्ठ है, तथा उन लोगों को कुछ भी देगा तो बहुत पुण्य मिल जाता है। जैसे कि खेत
अनुत्तरम पुण्य खेतम, पुण्य खेती। पुण्य खेती मतलब खेत में हम लोग एक दो चीज रोप देंगे तो उसका फल हजारों गुना करके मिल जाता है ना, वैसा है। वैसा महासंघ कुछ देंगे तो उसका फल बहुत करके मिल जाता है। ये खो चुंदी संगे पसन्ना, आगे ते पसन्ना। इसी प्रकार संघ के ऊपर जो कोई प्रसन्न हो गया तो वो प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ है। आगे को पन पसन्ना अग्र विपाक होती। इसी प्रकार अग्र प्रसन्नता उत्पन्न हो गया तो फल फल भी अग्र है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद बताया यावता चुंदी शीलानी, जो को सील है इस संसार में। हर एक लोग व्रत सुरक्षा करता है ना, सील व्रत पूजा उजा सारे सील हैं। आर्य खानी ते संग अग्म यदि दंग अखंडानी अच्छिदानी असबलानी अकम्मासानी विन्युपसत्थानी अपरामठानी समाधि सम्मतनी कानी। उन सारे सीलों में सर्वश्रेष्ठ सील होता है जो कुछ सील अच्छा से बिना तोड़ के बिना छेद करके सुंदर से पालन करता है, तथा वो जो सील समाधि के लिए सहायता करता है वो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया वो आर्यकांत सील है। वो सारे सीलों में सर्वश्रेष्ठ है आप लोग पालन करने वाले पांच सील भगवान बुद्ध ने बताया। ये को चुंदी आर्यकांतेशु सीलेशु परिपूरकारिणो, ये सर्वश्रेष्ठ सील को परिपूर्ण करेंगे तो अज्ञेते परिपूर्ण कारण, ये सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण पूरा करने का काम है। अज्ञे को पन परिपूरकानी का अज्ञे को पन परिपूरकारी न अग्गो विपाको होती। इसी प्रकार अग्र चीज संपूर्ण करेंगे तो अग्रफल मिल जाते। संपूर्ण करते हैं मतलब सोतापन होता है ना, अग्रफल मिलता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया अग्ग तो च प्रसन्नान अग्गं धम्मं विजानतं अग्गे बुद्धे प्रसन्नान दक्षिणे यानुत्तरे। जो कोई सर्वश्रेष्ठ उत्तम तथागत भगवान बुद्ध के ऊपर प्रसन्न हो गया तो उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ फल मिल जाता है दुनिया में। जिस धर्म से विराग उत्पन्न होता है तथा अपना मन की सारी गंदगी नष्ट हो जाता है, उन उत्तम आर्य धर्म के ऊपर प्रसन्न हो गया तो तथा उत्तम महासंघ के ऊपर प्रसन्न हो गया तो उन लोगों को अग्र फल मिल जाता है। ये बुद्ध धम्म संघ के शरण में जो कोई जाता है उन लोगों को ऐसे अग्गस्मिन् दानं ददतं अग्गं पुण्यं पवड्यति। ये लोगों को अग्र चीज सर्वश्रेष्ठ लोगों को दान देंगे तो सर्वश्रेष्ठ फल मिल जाता है। कैसे? अग्गं आयुच उम्र से सर्वश्रेष्ठ होता है, वर्णोच वर्ण से सर्वश्रेष्ठ होता है यानी कि सुंदर होता है ना, यशोच यश कीर्ति बढ़ता है, सुखांच शारीरिक सुख बढ़ता है, बलांच बल बढ़ता है। किन लोगों को ऐसा बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा मान लो, बुद्ध धम्म संघ को सेवा सत्कार करेंगे तो दान देंगे तो शरण जाएंगे तो ये गुण मिल जाता है। आयु मिलता है लेकिन नॉर्मल आयु नहीं, सबसे उत्तम आयु। तकलीफ नहीं उसी आयु में, किसी को मिटा नहीं सकता है। वर्णोच खूबसूरत होता है, यश यश यशो कीर्ति यश कीर्ति प्राप्त होता है, सुकाम बलं सुख मिल जाता है तथा बल मिल जाता है। अग्ग सदाता मेधावी अग्ग धम्म समाहितो देव भूतो मनुष्यो वा अग्ग पत्तो प्रमोदतीति। उसी प्रकार ये भगवान बुद्ध धर्म संघ के शरण में जो कोई लोग जाकर के
उसी सर्वश्रेष्ठ धर्म की रास्ता पे अपना जीवन को चलाएंगे तो वैसा ज्ञानी बुद्धिमान लोग इस देव मानव लोगों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन? जो सर्वश्रेष्ठ धर्म की रास्ता पे अपना जीवन चलाएगा तो उन लोग सारे देव मानव ब्रह्म इस हरेक प्राणियों को प्राणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। कौन है वो? आप लोग, हम लोग ऐसे बन सकता है अगर उसी प्रकार हम लोग जीवन की आचरण करेंगे तो। इसीलिए आप लोगों को भी ये सूत्र उपदेश का नाम क्या है? चुंदी सूत्र। इसी प्रकार आप लोगों को भी बुद्ध धम्म संघ के शरण में आकर के सील सुरक्षा करके और बहुत बहुत पुण्य करके सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।